नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सजग निगाहें। दर्शकों, यदि आपने अब तक मेरे चैनल सजग निगाहें और मेरे 11 वर्षीय बेटे सृजन शर्मा के चैनल क्रिएटिव सृजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने जान पहचान वालों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल। हमारी न्यूज टीम जब सारा गांव पहुंची तो वहां कई संगठन के लोग, शक्ति विधानसभा के कई सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर पहुंचे हुए थे। आइए देखते हैं भ्रष्टाचार के कुछ मामलों को हमारे न्यूज चैनल के द्वारा। आप लोग किस समस्या को लेकर यहां पे आए हुए हैं? अभी जो बसपा प्रत्याशी जो है गौतम राठौर, वो अपने सरपंच के कार्यकाल में शौचालय निर्माण में इतना भ्रष्टाचार किया है जिसका शिकायत लेकर मैं जिला पंचायत, SDM और ब्लॉक CO तीनों के पास जा चुका हूँ। और जाने के बाद SDM जी जांच के लिए CO को बोले थे, ब्लॉक CO को। उसके बाद में जांच भी वहाँ से गठित हुआ और जांच करने के लिए कोसमंदा में आया। और 28 जो शौचालय है, जांच टीम वहाँ से आए थे ना, 28 जो शौचालय है उसको जांच किया है। 28 में से 21 शौचालय पूर्ण अभी गया और वहाँ से हम लोग जांच के लिए भेजे थे ना, उसमें वही जो इंजीनियर है जिसमें शौचालय निर्माण में जो इंजीनियर था उन्हीं इंजीनियर को जांचकर्ता के रूप में भेज दिया। तो मेरे को ये शंका हो गया है कि दोनों का मिली भगत है। मैं ITI से निकाला हूँ। जो वो मास्टर रोल बनाया है मनरेगा का, जो शौचालय निर्माण हुई थी वो मास्टर रोल भी बनाया, पूरा फर्जी है, कोई काम ही नहीं किया। नाम क्या है? पूरा लिस्ट है मैडम मेरे पास। अच्छा, इंजीनियर का नाम क्या है? केशव। केशव जानता हूँ मैडम, है ना। और अभी मनरेगा में जो सचिव है, मनरेगा सचिव है, वो भी उसी में जांच करता के रूप में है। मेरे को सेटलमेंट करने के लिए बोल रहे थे सरपंच कि आप दोनों के दोनों, हाँ, आपसी हो जाओ करके, समझौता हो जाओ करके। मेरे को ऐसा कुछ राशि के रूप में नहीं बोले थे, लेकिन सेटलमेंट हो जाओ आपका, ठीक चलेगा ऐसे करके दिन। मैं जिस दिन से सोचा था कि मैं शिकायत करूंगा उस दिन से तो मैं सोच लिया हूँ मैडम कि मैं एक जनता जो दुख पा रहा है उसके अंदर में जाकर काम करूँगा। करके मैं भी एक मामूली जनता हूँ उस मंदिर से। मैं जो SDM को दिया था ना उसी के तहत SDM साहब जिला पंचायत CO है ना, नहीं सॉरी मैडम ब्लॉक CO है ना, वहाँ भेज दिया और वहाँ से टीम गठित हुई है जांच के लिए। और जांच टीम जो गठित हुए है ना उसका जांच यहाँ से चला गया, जो 21 अपूर्ण पाया गया और 21 अपूर्ण पाया उसका जो है मेरे को लगता है ब्लॉक CO और सरपंच की साथ गया था, उसमें पैसे की लेन देन हुई है मेरा। इसी कारण अभी तक रिपोर्ट SDM ऑफिस में मैं 10 बार जा चुका हूँ, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है। तत्काल कार्रवाई चाहता हूँ मेरा। मैं जहाँ जाना, प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा हूँ मैडम। मैं जिला पंचायत में गया हूँ, जिला पंचायत वाले 6 महीना से रोक दिया है मेरा जो लेटर शिकायत।